आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। श्रावण के महीने में देवाधिदेव महादेव बहुत आसानी से और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सावन का महीना ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव को सबसे प्रिय है। इस महीने में राश के अनुसार भगवान शंकर की आराधना करने से देवाधिदेव बहुत जल्दी और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस राशि के जातक को किस तरह भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को सावन के दौरान दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और लाल गुलाल और फूल अर्पित करते हुए ओम नागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग को जल शहद और सुगंध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनके बिगड़े काम बनते हैं। वृषभ राशि जातक सावन के दौरान प्रत्येक सोमवार को कच्चे दूध में जल मिश्रित कर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसी के साथ दही, चंदन और सफेद फूल भी अर्पित करें। इस दौरान रुद्राष्टक का पाठ भी फलदायी रहेगा। मिथुन राशि जातक सावन के प्रत्येक सोमवार को अनार या गन्ने के रस से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें और बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि वाले जातकों को सावन के महीने में सोमवार के दिन गंगाजल दूर्वा डालकर भगवान शिव का अभिषेक करने से उन्हें शुभ और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस राशि के जातक को सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पानी में दही मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, साथ ही गन्ने का रस भी अर्पित कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को सावन के महीने में सोमवार के दिन कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। सावन मास के दौरान कर्क जातकों को प्रत्येक सोमवार को शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और मावे से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ओम सोमनाथाय नमरू मंत्र का जाप करें। कर्क राशि वाले जातकों को सावन के महीने में सोमवार के विशेष अवसर पर कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर शिवजी का अभिषेक और पूजन करने पर जातक को काफी हद तक मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। कर्क राशि वाले शिवलिंग का भांग मिश्रित दूध से अभिषेक करें और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। साथ ही इस राशि के लोग महादेव के 12 नाम का स्मरण पूरे श्रावण करें, शुभ रहेगा। सिंह राशि जातकों को सावन के दौरान प्रत्येक सोमवार को गुड़ मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी के साथ भगवान के सामने गाय के घी का दीपक भी जलाना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों को सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को आम का रस अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जातक को अपने जीवन में लाभ देखने को मिल सकता है। कन्या राशि के जातकों को सावन सोमवार के दौरान गन्ने का रस या जल में बेलपत्र डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। सावन के महीने में कन्या राशि वाले जातकों को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगाजल बेलपत्र और सुगंध मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जातक को कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तुला राशि वाले लोग भगवान शिव पर इत्र या सुगंधित जल चढ़ाए, इसी के साथ शिव सहस्त्रनामों का पाठ करें। शिवजी को श्रीखंड, चंदन और सफेद चंदन लगी बिल्व पत्र अर्पित करें। तुला राशि वाले जातकों को सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को जल भस्म सफेद चंदन का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वृश्चिक राशि के जातकों को सावन के प्रत्येक सोमवार को पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए।
इससे व्यापार से संबंधित सभी समस्याओं का हल होता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को सावन सोमवार के दिन गंगाजल में लाल रंग के फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। धनु राशि जातक सावन के प्रत्येक सोमवार को गाय के दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसी के साथ एक बिल्व पत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। धनु राशि वाले जातकों को सावन महीने के सोमवार के दिन गंगाजल में केसर मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से धनु राशि वाले जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मकर राशि के जातकों को सावन के हर सोमवार को जल में कुशा डालकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। गेहूं का दान करें और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। मकर राशि वाले जातकों को सावन के महीने में सोमवार के दिन गंगाजल में काले तिल और बेलपत्र मिलकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से शनि की बाधा दूर होती है, जिससे जीवन में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आती है। कुंभ राशि जातक सावन के प्रत्येक सोमवार जल में तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें और सरसों के तेल का दीपक भगवान के समक्ष जलाएं। इसी के साथ भगवान शिव के शराक्षर मंत्र का 11 बार जाप करें। कुंभ राशि वाले जातकों को सावन के महीने में श्रावण सोमवार के दिन गंगाजल में कच्चा दूध मिलाकर शिवजी को अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही इस राशि वाले जातक को भांग धतूरा और बेलपत्र का भी अभिषेक करना चाहिए। मीन जातकों को सावन के दौरान प्रत्येक सोमवार को दूध अथवा पानी में हल्दी मिलाकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए और शिव तांडव का पाठ करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों को सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार के दिन जल में शहद सुगंध द्रव्य दूर्वा और अक्षत डालकर भोलेनाथ का अभिषेक करें। ऐसा करने से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस माह में अगर आप देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव की आराधना करते हैं तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।